चलो देखो, अब हमको आगे क्या स्टार्ट करना है। आगे स्टार्ट करना है केमी ऑस्मोटिक थ्योरी फॉर फोटोफॉस्फोरिलेशन। लेकिन उससे पहले कुछ कॉमन डाउट बताते हैं। बच्चा सोचता है कि ये मैट्रिक्स था और ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस था। बच्चा सोचता है कि मैट्रिक्स में सर ने बताया लो एच प्लस कंसेंट्रेशन और यहाँ बताया हाई एच प्लस कंसेंट्रेशन। तो बच्चा सोचता है कि हाई एच प्लस कंसेंट्रेशन यहाँ पे इसलिए आता है क्योंकि ऐसे तो आता ही है, तो इस तरीके से यहाँ आके आके जमा होता है, चाहे वो जिस तरीके से दिया है। आपने देखा भी किस किस तरीके से आ सकता है, मैट्रिक्स से ही आता है, ठीक है। लेकिन बच्चों सिर्फ यही कारण नहीं है यहाँ पे हाई प्लस प्लस कंसेंट्रेशन होने का। मैं आपको बता दूं मैट्रिक्स के अंदर इतना फिर यहां से यहां चला जाता है, बस सच है। लेकिन वो तो जाएगा तो फिर लगातार उसमें यूटिलाइज होते रहेगा। लेकिन मैट्रिक्स में एच प्लस कंसेंट्रेशन सिर्फ इस पेरीमेटर स्पेस रिटर्न होने से नहीं आता। यहां पर एक चीज होता है जिसका नाम है वाटर का आयनाइजेशन, और वाटर का आयनाइजेशन इस तरीके से होता है, वाटर टूटता है एच प्लस और ओ एच माइनस में, दिस इज वाटर का आयनाइजेशन। और एक होता है वाटर का ऑक्सीडेशन, वो ऐसे होता है, दिस इज वाटर का ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन आयनाइजेशन अलग अलग रिएक्शन। तो आयनाइजेशन से आपको एच प्लस मिल रहा है और ओ एच माइनस मिल रहा है, क्योंकि वाटर के ऑक्सीडेशन के लिए फोटोसिस्टम का होना जरूरी है। अभी बताएंगे, आपको पहले भी बताया। लेकिन वाटर के आयनाइजेशन के लिए किसी फोटोसिस्टम की जरूरत है, मैं आपको बता दूं वाटर का आयनाइजेशन हर सेल के, जहां जहां लिक्विड फ्लूइड है साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स, हर सेल के उस जगह पर हो रहा है जहां जहां आयनाइजेशन का स्कोप है। और मैं बता दूं वाटर का आयनाइजेशन एच प्लस और ओ एच माइनस का एक अच्छा सोर्स है सेल के लिए, इंपॉर्टेंट सोर्स है। और ये सिर्फ मैट्रिक्स में नहीं, हर सेल के हर साइटोप्लाज्म में हो रहा है, और हर उस जगह एस्ट्रोमा भी होगा वहां पे, बताएंगे अभी। मतलब जहां जहां फ्लूड है वहां वहां वाटर का आयनाइजेशन हो रहा है। तो मैट्रिक्स में एच प्लस कंसेंट्रेशन पीएमएस से बैक होके तो आया ही आया, साथ में इसको मेंटेन रखने के लिए ताकि बिल्कुल खत्म ना हो जाए आयनाइजेशन भी हो रहा है, आयनाइजेशन भी हो रहा है। मैं बता देता हूँ आयनाइजेशन भी हो रहा है, ठीक है। तो ये बात बताना था, अब हम आगे बढ़ते हैं किधर। अब देखो आयनाइजेशन के लिए क्या क्या चाहिए, क्या फैक्टर चाहिए, रेट वेट वो तो यहाँ पे आयनिक फिकुरिया में पढ़ते हो, उतना हमको थोड़ी बताएंगे कि रिएक्शन कैसे हुआ, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे, ये सब हम थोड़ी पढ़ेंगे यार, फिर केमिस्ट्री वाले क्या पढ़ेंगे। हमको तो ये बताना था आयनाइजेशन भी होता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है केमी ऑस्मोटिक थ्योरी फॉर फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन याद कीजिए, मैंने फोटोसिंथेसिस में कहा था कि केमी ऑस्मोटिक थ्योरी में यहाँ छोड़ दे रहा हूँ, पढ़ाऊंगा एक साथ दोनों का, ऑक्सीडेटिव का भी और फोटोफॉस्फोराइलेशन का भी। आज अच्छा एनसीईआरटी में लिखा है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना इस बात को। देखिए क्या है, पीटर मिशेल साहब ने हाइपोथेसिस दिया था, बाद में एक्सपेरिमेंटली उस हाइपोथेसिस को प्रूफ किया गया तो फिर थ्योरी बना, तब जाके उनको मिल गया नोबेल प्राइज। तो एक ही चीज है, हाइपोथेसिस बोले मोरकटली की प्रपोज किया था किसने, पीटर मिशेल साहब ने, बाद में वही थ्योरी बना। पहले हाइपोथेसिस आता है साइंस के फील्ड में, तब उससे थ्योरी बनता है। पहले प्रमाण तैयार किया जाता है कि इस तरीके से करेंगे, अगर वो चीजें हो गई तब उसको थ्योरी बोलने लगता है। तो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस दिया था पीटर मिशेल साहब ने, उसी से थ्योरी डेवलप हुआ, वही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइजेशन के लिए पढ़ लिया है, अब हम पढ़ रहे हैं फोटोफॉस्फोराइजेशन के लिए, ठीक है। तो वही बात, ईटीएस सबसे पहले हम लोग को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ईटीएस रिप्रेजेंट करने के लिए आप समझ रहे हैं हम केवल थैलेकोइड मेम्ब्रेन को दिखाने जा रहे हैं, थैलेकोइड को दिखाने जा रहे हैं। लीजिए ये रहा आपका थैलेकोइड, ये रहा थैलेकोइड, और आपको पता है कि इसके अंदर ये थैलेकोइड मेम्ब्रेन इस तरीके से आपको दिखता है, और ये पूरा का पूरा थैलेकोइड है। आप जान ही रहे हैं अंदर का ये स्पेस पूरा का पूरा ल्यूमेन है, बता ही रखा है मैंने,
और ये बाहर का स्टोमा का पूरा स्टोमा है, बताया जाता है स्टोमा है, और ये पूरा का पूरा क्लोरोप्लास्ट का बना है, ठीक है। और आपको पता है कि ऊपर में कहीं यहाँ पे सन भगवान होंगे, सनलाइट, ठीक है, ये सनलाइट। और आपको पता है कि सनलाइट से डिफरेंट वेवलेंथ के लाइट गिर रहे होंगे, जिसमें 400 से 700 नैनोमीटर वाले सारे के सारे लाइट होंगे, पॉलीक्रोमेटिक लाइट कहते हैं उसको, भगवान की कृपा अपरंपार और लगातार, पॉलीक्रोमेटिक लाइट है उसमें। और उसकी वेवलेंथ कितना है, 400 से 700 नैनोमीटर, 700, ठीक है। अब यहाँ पर हमको इस स्थलाकार मर्मर में दिखाना है ईटीएस का अरेंजमेंट, और ने समझाता ये चीज़ें। अब मैं इसमें बस फोटो सिस्टम भी प्रेजेंट करता हूँ, बाकी पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन कैरियर या प्रोटॉन कैरियर जो भी है या हाइड्रोजन कैरियर, उसका अरेंजमेंट आप लोग से पूछेंगे हम, ठीक है। तो ये रहा आपका क्या, फोटो सिस्टम सेकेंड, और यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको फोटो सिस्टम फर्स्ट, दिस वन इज फोटो सिस्टम फर्स्ट, ठीक है। और मैं लिख देता हूँ कि ये फोटो सिस्टम सेकेंड है और ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है, ठीक है। तो अब हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा, तुम बताओ इस फोटो सिस्टम सेकेंड से कोई इंपॉर्टेंट चीज एसोसिएटेड होता है, क्या है वो? ओईसी, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। चलिए साहब इसका नाम लिख दें, क्या ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स? चलो अर्थ बताओ, प्रैक्टिकली प्राइमरी, प्रैक्टिकली बोला मैंने, नॉट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, प्रैक्टिकली प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ प्राइमरी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोस्टन 2, थियोफाइटिन। तो वो एक्चुअल में इसी का पार्ट है, इसलिए मैं इसी के जस्ट सामने दिखाता हूँ, दिस इज थियोफाइटिन। चलो तुम बताओ, क्योंकि नवीन बता नहीं पाएगा, वो लेक्चर रिवाइज करके नहीं आया है, तुम बताओ नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर बता दोगे तो बताओ नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन होगा थियोफाइटिन के बाद? प्लास्टोक्विनोन। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कैरियर, हाइड्रोजन कैरियर है। अब तुम बताओ कि नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन होगा? साइटोक्रोम B6, ये रहा। अब हर्ष बताएगा इसके बाद कौन होगा यहाँ पे? सर इसके बाद F होगा, साइटोक्रोम F एसोसिएटेड होगा उसी के साथ। तुम बताओ उसके बाद कौन होगा? प्लास्टोसाइनिन जो एक प्रकार का क्या है, मोबाइल हाइड्रो इलेक्ट्रॉन कैरियर है, प्लास्टोसाइनिन। चलो हर नवीन बता, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम फर्स्ट, उसका सर FRS, फेराडोसिन रेड्यूसिंग सब्सटेंस। चलो तुम बता हर्ष, फेराडोसिन रेड्यूसिंग सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन किसको जाएगा? आयरन सल्फर प्रोटीन को जाएगा। वो तो हो ही गया FRS, उससे किसको जाएगा? एक और FES था ना, फेराडोसिन को जाएगा। बाहर में, लेकिन वो दिखाते हैं किस तरह, हम लोग पता है सब सिखा चुके हैं, ये लोग दिखा देते हैं। ये था तुम्हारा एथनॉल जो मेम्ब्रेन में बेस चीज कहलाता है, अंदर की तरफ बसा हुआ है, और ये स्टॉक तो F not F1 को जोड़ के आता है, this one is stock, और ये F1 इधर, stoma की तरह।
और एफ वन के माथे पे क्या होता है एटीपी सिंथेसिस एक एंजाइम, ये दिस इज एटीपी सिंथेसिस एक एंजाइम। और यह है एफ नॉट, इसको बेस पीस कहते हैं, यह रहा स्टॉक, और यह रहा एफ वन जिसको हेड पीस कहते हैं, पूरे को मिला के एफ नॉट एफ वन पार्टिकल या ऑक्सीजन कहते हैं, और ये एंजाइम एटीपी सिंथेसिस है जो लोकेटेड है हेड पीस पे। ये तो पूरा अरेंजमेंट के साथ फोटोफॉस्फोरिलेशन के लिए ईडीएस था। कहानी स्टार्ट हुई थी कहां से, याद कीजिए, इसी में कल जो पढ़ाए थे उसी में आज हम केमी ऑस्मोटिक थ्योरी को मिक्स करेंगे, इसलिए सेपरेटली हम कर रहे हैं ताकि हम बच्चे समझ पाए। तो हमने कहानी स्टार्ट किया था भगवान की कृपा गिरेगी दोनों पर, कब, जब सुबह हुआ सनलाइट गिरेगी फोटो सिस्टम सेकेंड पर भी एट द सेम टाइम, लेकिन ये पिक करेगा किसको, ये पिक करेगा 400 से लेके 680 के बीच का जो वेवलेंथ होगा उसको, और फोटो सिस्टम फर्स्ट गिर जाएगा किसपे, इस पे, फोटो सिस्टम फर्स्ट पे लाइट गिर जाएगा किसपे, फर्स्ट मतलब कि फोटो ये जो लाइट पूरा का पूरा गिरेगा फोटो सिस्टम फर्स्ट पे, वो लाइट होगा कितना वेवलेंथ का 400 से 700, लेकिन वो पिक क्या करेगा 680 से 700 नैनोमीटर वाला वो पिक करेगा। अब यहां से क्या होगा, जब जब लाइट गिरता है तब तक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और भाई इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहां से, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, देखो साहब इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम फर्स्ट निकलेगा सेकंड में निकलेगा, एक क्वांटा गिरेगा लाइट का सवाल फोटो सिस्टम में समझाए गए, एक क्वांटा गिरेगा तो एक इलेक्ट्रॉन, फिर एक क्वांटा गिरेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन, लेकिन मैग्नीशियम प्लस टू होता है रिएक्शन सेंटर उसका, तो रिएक्शन सेंटर जो क्लोरोफिल है उसका मैग्नीशियम सेंटर जो होता है मैग्नीशियम, तो वो रिएक्शन सेंटर दो ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम लूज कर सकता है। तो हमने मान लिया कि लगातार लाइट क्वांटा गिरता जा रहा है और यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर दिया, तो जब फोटो सिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन निकला तो पीओ फाइटिन के पास गया, और फोटो सिस्टम फर्स्ट से निकला तो फेरेडोसिन रेडोसिन सब्सटेंस हो गया, दो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ फोटो सिस्टम वन से भी और फोटो सिस्टम टू से एट द सेम टाइम। जैसे फोटो सिस्टम वन से इलेक्ट्रॉन निकला तो उसको तो तुरंत ही इलेक्ट्रॉन मिल गया किससे, प्लास्टोसाइनिन से दो इलेक्ट्रॉन मिल गया, प्लास्टोसाइनिन के पास इलेक्ट्रॉन कहां से आया था, साइटोक्रोम एफ से आया, साइटोक्रोम एफ के पास इलेक्ट्रॉन कहां से आया था, साइटोक्रोम बी सिक्स से आया था, साइटोक्रोम बी सिक्स के बाद इलेक्ट्रॉन कहां से आया था, प्लास्टोक्विनोल के पास आया था, प्लास्टोक्विनोल के पास कहां था, प्लास्टोक्विनोल, प्लास्टोक्विनोल के पास कहां से आया था इलेक्ट्रॉन, वो आया था पीओ फाइटिन से, और पीओ फाइटिन के पास कहां से आया, फोटो सिस्टम फर्स्ट से, उससे इलेक्ट्रॉन कैसे इजेक्ट हुआ, वही लाइट एनर्जी की मदद से, अब उसको कहां से मिलेगा वो चर्चा भी हम करेंगे। और इस दौरान फेरेडोक्सिन रेडोक्सिन सब्सटेंस का इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएगा, एफडी को, फेरेडोक्सिन को, उसका इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएगा, फाइनली एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम के प्रेजेंस में एनएडीपी को मिल जाएगा। तो ये सारा एरो मैंने आपको पहले ही समझा रखा है कि जो फोटो सिस्टम फर्स्ट को इलेक्ट्रॉन मिलता है तुरंत जस्ट मिल जाता है, वो मिलता है प्लास्टोसाइनिन से, प्लास्टोसाइनिन के पास इलेक्ट्रॉन आया था साइटोक्रोम एफ से, साइटोक्रोम एफ के पास इलेक्ट्रॉन आया था साइटोक्रोम बी सिक्स से, साइटोक्रोम बी सिक्स के पास इलेक्ट्रॉन जो आया था वो आया था प्लास्टोक्विनोल से, प्लास्टोक्विनोल से, और प्लास्टोक्विनोल के पास इलेक्ट्रॉन आया था सीओ फाइटिन से, सीओ फाइटिन के पास आया था इस फोटो सिस्टम सेकेंड से जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ था लाइट एनर्जी की मदद से। कुल मिलाकर लाइट एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है, वही इलेक्ट्रॉन फाइनली फोटो सिस्टम फर्स्ट तक मतलब फोटो सिस्टम सेकेंड से, और फोटो सिस्टम फर्स्ट का जो इलेक्ट्रॉन निकला फेरेडोक्सिन और सब्सटेंस, उससे वो इलेक्ट्रॉन चला गया फेरेडोक्सिन को, और फेरेडोक्सिन से फिर वही आप जान रहे हो कि वो दो इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा यहाँ चला जाएगा एनएडीपी रिडक्टेज के एंजाइम के प्रेजेंस में, कौन ले लेगा, तो आप जान ही रहे हो वो एनएडीपी ले लेगा, एनएडीपी प्लस कह सकते हैं उसको, किसमें कन्वर्ट होगा अभी बताएंगे, प्रोटॉन कहां से मिलेगा उसको अभी अब बताइए। इस दौरान इस फोटो सिस्टम फर्स्ट से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसके तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी फुलफिल हो गई, लेकिन फोटो सिस्टम सेकेंड से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसके इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी फुलफिल नहीं हुई, तो वो उस पर जब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो वो अपने से एसोसिएटेड एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स रखा है जिसका नाम है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, उसमें कुछ एटम है जिसका नाम है एमएन मैग्नीज क्लोरीन कैल्शियम, खास करके एमएन जिसका वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट होता है, वो तुरंत इलेक्ट्रॉन दे देगा इस फोटो सिस्टम सेकेंड के जो रिएक्शन सेंटर है उसके मैग्नीशियम को, और उसका चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कुल मिला के दो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स से निकल जाएगा, और वो दो इलेक्ट्रॉन किसको मिल जाएगा, इस फोटो सिस्टम सेकेंड को मिल जाएगा। अब चार्ज क्रिएट हो जाएगा ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स पर,
और जैसे ही चार्ज क्रिएट होगा तो ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रोटॉन सेकंड का ही एक्चुअली पार्ट है, तो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स में चार्ज क्रिएट होने से ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करने लगेगा पूरा का पूरा सिस्टम। और ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ऑक्सीजन इवॉल्व करेगा, कैसे बताते हैं, ये वाटर को लेकर कहां से, ल्यूमेन से, और वाटर को लेकर ये वाटर को हम रिएक्शन भले ही लिखते हैं कहां, ल्यूमेन में, लेकिन ये चल रहा होता है कहां, इस ल्यूमेन के इनर सरफेस पर, मतलब ल्यूमेन के मेम्ब्रेन पर, इनर सरफेस पर, मतलब ल्यूमेन की तरफ, इस सलग पार्ट मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पर चल रहा होता है। हम रिएक्शन मारे कैसे लिखेंगे, डिफ्यूज हो जाएगा, तो वाटर टूट जाता है किसमें, वाटर टूट जाता है प्रोटॉन में, वाटर टूट जाता है इलेक्ट्रॉन में, और नेसेंट ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। जब एक वाटर टूटता है तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज, एक नहीं दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन रिलीज हो जाता है, एक वाटर टूटता है और एक नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो इलेक्ट्रॉन टूटा ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स पर ही, तो इलेक्ट्रॉन तो खुद ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ने ही ले लिया और अपना चार्ज को मेंटेन कर लिया, न्यूट्रल कर लिया, अपना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को फुलफिल कर लिया। प्रोटॉन अब यहीं रह जाएगा, प्रोटॉन इस मैट्रिक्स में यहाँ पर जमा, सॉरी इस ल्यूमेन में यहाँ जमा होते रहेगा। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स क्यों नाम पड़ा, जब दो वाटर टूटेंगे तो चार प्रोटॉन निकलेगा, तो चार इलेक्ट्रॉन की दो बार रिप्लेस कर चलेगा, तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनते चलेगा, जिसका नाम पड़ा ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। फाइनली दोनों के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फुलफिल हो चुकी है, लेकिन इस तरह एक खेल हो गया, दो प्रोटॉन जमा हो गया ल्यूमेन में, दो प्रोटॉन जमा हो गया ल्यूमेन में। इसी दौरान जब प्लास्टोक्विनोन प्लास्टोक्विनोल बन के आगे गया, फ्लिप फ्लॉप मोमेंट्स हो करके यहां पर PQH2 बना प्लास्टोक्विनोन, तो जब उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया अगले इलेक्ट्रॉन के लिए साइटोक्रोम B6 को, तो वो भी प्रोटॉन संभाल नहीं पाया और वो भी प्रोटॉन कहां फेंका, यही ल्यूमेन है। कुल मिला के इस ल्यूमेन में चार प्रोटॉन आ गया जब एक वाटर मॉलिक्यूल टूटा, लेकिन ये सारा खेल तब हुआ जब लाइट एनर्जी गिरी फोटोसिस्टम सेकंड पर, और फर्स्ट पे भी गिरी, लेकिन सेकंड पर जब गिरी तभी जाके वाटर स्प्लिट हुआ, और जब वाटर स्प्लिट हुआ तो वाटर के स्प्लिटिंग से डायरेक्टली दो प्रोटॉन आया ल्यूमेन में, इनडायरेक्टली आया दो प्रोटॉन किसके जरिए, प्लास्टोक्विनोन के जरिए, कहां, एस्ट्रोमा से ल्यूमेन में। इस प्रोटॉन का एस्ट्रोमा से ल्यूमेन में आना यह एक प्रकार का कैसा है, तो मैं बता दूं एस्ट्रोमा में आपको इन जनरल जब जब लाइट रहेगी, मैं बता दूं एस्ट्रोमा में लो एच प्लस कंसेंट्रेशन रहता है और यहाँ ल्यूमेन में हाई एच प्लस कंसेंट्रेशन रहता है। मतलब इस दौरान ये जो हुआ है कार्यक्रम, ये जैसे ही यहाँ पर आना स्टार्ट हुआ प्रोटॉन का जमा स्टार्ट हुआ, तो ये इन ऑर्डर ऑफ ग्रेडियंट या अगेंस्ट द ग्रेडियंट हुआ है। इस दौरान भी एनर्जी उसी इलेक्ट्रॉन की यूज की गई जो इलेक्ट्रॉन सी फाइटिंग से पाया प्लास्टोक्विनोन ने, फ्री एनर्जी की मदद से यहाँ वर्क किया गया। क्या वर्क किया गया, पंपिंग किया गया, किसका प्रोटॉन कहाँ से, एस्ट्रोमा से ल्यूमेन में, अगेंस्ट ग्रेडियंट वर्क हुआ है, एनर्जी आया है फ्री इलेक्ट्रॉन से, और कुल मिला के यहाँ पर वही बात, क्या जमा हो गया प्रोटॉन तो क्रिएट हुआ प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट एक प्रकार का केमिकल ग्रेडियंट है, और इस प्रोटॉन ग्रेडियंट चूंकि ये चार्ज है प्रोटॉन, तो इन्होंने क्रिएट किया आयनिक ग्रेडियंट, दैट इज इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट क्रिएट कर देगा पोटेंशियल, और आप इस प्रोटॉन ग्रेडियंट दैट इज केमिकल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट को मिलाकर आप ECG बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, और इसमें जो इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट है उसकी वजह से पोटेंशियल डेवलप हुआ, और पोटेंशियल की वजह से एक फोर्स जनरेट होगा PMF, प्रोटोमोटिव फोर्स, और अब प्रोटोमोटिव फोर्स दम लगाएगा इस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन से बाहर। प्रोटोमोटिव फोर्स स्ट्रोमा में भी डेवलप हुआ, ल्यूमेन में भी, लेकिन ज्यादा ल्यूमेन में, क्योंकि ज्यादा प्रोटॉन ल्यूमेन में, चार प्रोटॉन इधर जमा हो गया। अब यह प्रोटॉन दम लगाएगा थैलेकॉइड मेम्ब्रेन से निकलने की, निकल नहीं पाएगा। फाइनली इन सारे प्रोटॉन को एक जगह दिखेगा जहां से प्रोटॉन बाहर निकल सकता है, और वो जगह है, ये सारे के सारे प्रोटॉन कोशिश करेंगे इस F0F1 पार्टिकल से निकलने की, और जब F0F1 पार्टिकल से ड्यूरिंग फोटोफॉस्फोराइलेशन तीन प्रोटॉन क्रॉस होगा, तो इतना प्रोटोमोटिव फोर्स आएगा कि इस थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पर F0F1 पार्टिकल के हेड पर लगी एटीपी सिंथेसिस में कन्फर्मेशन चेंज कराएगा। यही डिफरेंस है, एक मेन डिफरेंस,
ऑक्सीडेटिव और फोटोफॉस्फोराइलेशन में। वहां दो प्रोटोन सफिशियंट था प्रोटोमोटिव फोर्स लेकर एटीपी सिंथेसिस का कंफर्मेशन चेंज कराने के लिए, लेकिन यहाँ तीन प्रोटोन आएगा तब जाके कंफर्मेशन चेंज होगा एटीपी सिंथेसिस का। वही एडीपी को जोर देगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ एटीपी सिंथेसिस और बन जाएगा एक एटीपी। एक एटीपी बन गया, अब ये प्रोटोन एनएडीपी रिडक्टेंस को मिल जाएगा एनएडीपी रिडक्टेंस के प्रेजेंस में ये प्रोटोन, और ये एनएडीपी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एनएडीपीएच2 में, जो डार्क रिएक्शन में कहा जाएगा, जो डार्क रिएक्शन में कहा जाएगा। कुल मिला के यहाँ पर क्या हो गया, एटीपी का सिंथेसिस, इसको आपने बोला फॉस्फोराइलेशन, लेकिन फोटो क्यों, क्योंकि यहाँ जो एटीपी का सिंथेसिस हुआ वो सिंथेसिस तो पीएमएफ की वजह से होगा। पीएमएफ क्यों, क्योंकि फोर्स है, वही टाइगर कंफर्मेशन चेंज। पीएमएफ आएगा पोटेंशियल की वजह से, पोटेंशियल आएगा इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट की वजह से, इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट आएगा प्रोटोन ग्रेडियंट की वजह से। यहाँ प्रोटोन ग्रेडियंट जो फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की वजह से आया है, वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन में फ्री एनर्जी ऑक्सीडेशन से नहीं आया है, लाइट एनर्जी से आया है। ये सारा खेल लाइट एनर्जी की वजह से हुआ, लाइट एनर्जी नहीं रहता तो वाटर टूटता भी नहीं, तो इसका इलेक्ट्रॉन निकलता भी फिर नहीं आगे, और लाइट नहीं गिरता तो इसका भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता फोटो सिस्टम सेकेंड का। कुल मिला के लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में एटीपी का फॉस्फोराइलेशन, मतलब एटीपी बना है तो फोटो फॉस्फोराइलेशन। रही बात केमी ऑस्मोटिक क्यों बोला, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये थैलेकोइड मेम्ब्रेन एक प्रकार का मेम्ब्रेन है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिव पॉलीमर मेम्ब्रेन है। यहाँ जब एटीपी सिंथेसिस हुआ तो हाई प्रोटॉन ग्रेडियंट से, मतलब हाई प्रोटॉन कंसेंट्रेशन से लो प्रोटॉन कंसेंट्रेशन की तरफ प्रोटॉन मूव किया, मतलब अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, यह एक डिफ्यूजन है। चूंकि डिफ्यूजन यहाँ एक सेलेक्टिवली परमेबल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है तो यह ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस एक केमिकल का हो रहा है इसलिए एक केमियो ऑस्मोसिस है और थ्योरी केमियो ऑस्मोटिक कहलाई। वन सेकेंड रुकिए, हाँ, तो रही बात कि इसको आपने केमियोस्मोसिस क्यों बोला, वो भी मैंने समझा दिया, क्योंकि एक केमिकल प्रोटॉन का ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस हाई टू लो कंसेंट्रेशन मूवमेंट हुआ है, यह एक प्रकार का ऑस्मोसिस है, केमिकल को हुआ केमियोस्मोसिस है। ये कह रही है अरे यहाँ पे दो प्रोटॉन लिया वहां लिया होगा मिल जाएगा कैसे, इसलिए तो यहाँ पे ग्रेडियंट हुआ था बाय द यूज ऑफ फ्री एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये केमियोस्मोटिक थ्योरी फोटोफॉस्फोराइलेशन के लिए है। दिन भर ऐसा होगा क्योंकि दिन भर सुबह 6-7 बजे से लेकर शाम 5-6 बजे तक, एटलीस्ट गर्मी के दिनों में तो 6-7 बजे तक भगवान की कृपा बरसती रहेगी। दिन भर ल्यूमेन में हाई कंसेंट्रेशन प्रोटॉन का और एस्ट्रोमा में लो कंसेंट्रेशन बना रहेगा। मैं बता दूं बच्चों, जैसे ही रात होता है, जैसे ही रात हुआ मतलब की लाइट इंटेंसिटी आना बंद हुआ, उतनी एटलीस्ट जितनी चाहिए थी फोटोसन सेकेंड को इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए, लाइट इंटेंसिटी आना बंद, इलेक्ट्रॉन इजेक्शन बंद, नो फोटोलाइसिस, नो प्रोटॉन ग्रेडियंट, नो इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट, नो ईसीजी, नो पोटेंशियल, नो पीएमएफ, नो एटीपी सिंथेसिस। इसीलिए रात को फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, रात नहीं बोलो तब तक नहीं होगा क्लोरोप्लास्ट में एटीपी का सिंथेसिस, जब जब सनलाइट नहीं रहेगी। हो सकता है बरसात का दिन हो सकता है उस टाइम लाइट, ये सब बात हम फोटोसिंथेसिस समझाई गए थे वैसे। तो जब जब नहीं होगा, जब जब उसके पास नहीं होगी लाइट इंटेंसिटी, और मैं बता दूं जब ये एटीपी सिंथेसिस नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं है। अरे आप क्या बोल रहे, आपको पता है प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं है, इसका मतलब ये इधर से खींच के इधर प्रोटॉन जो जमा किया जा रहा था और वाटर के टूटने से जो यहाँ प्रोटॉन जमा हो रहा था वो नहीं होगा, तो पता है दोनों तरफ का पीएच इक्वल हो जाएगा, इधर भी पीएच, ऐसे इधर पीएच कितना था, इधर पीएच था 4.5 के आसपास और इधर पीएच था
अच्छा, इधर पीएच ज्यादा होगा ना, हाई सर उधर हाई होगा ना, 1.5 के आसपास। इधर लो पीएच था कितना, इधर पीएच था 4.5 के आसपास, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन। मैं बता दूं, जैसे ही ये सब खेल रुकेगा रात को, तो इधर का पीएच इधर भी 7 हो जाएगा और इधर भी पीएच 7 हो जाएगा। मतलब जैसे लाइट इंटेंसिटी आना बंद होगा ना, 1 से 2 मिनट के अंदर ऐसा हो जाएगा, उसके बाद फिर कोई बना था। जब तक फिर सनलाइट नहीं आएगी तब तक ये काम जाम नहीं होगा। मैं बता दूं, इसका मतलब रात को ये 7 पीएच बना रहेगा स्टोमा का, 8.5 नहीं रहेगा, और रात को फिर ये NADPH2 भी नहीं बनेगा, क्योंकि NADPH2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो इसी ETS के थ्रू ले रहा है। ETS से इलेक्ट्रॉन लिया और प्रोटॉन जब केमियोसमोसिस हुआ तो उससे लिया, तो यही प्रोटॉन वो ले रहा है, तो वो भी नहीं मिलेगा, तो रात को NADPH2 नहीं बनेगा। अब सुनिए, डार्क रिएक्शन में ATP NADPH2 ही यूज होता है। जब लाइट रिएक्शन नहीं चलेगा दिन में, तो डार्क रिएक्शन कहां से चलेगा? सॉरी, रात में जब लाइट रिएक्शन नहीं चलेगा तो डार्क रिएक्शन कहां से चलेगा? कुछ टीचर ऐसा पढ़ा देते हैं, ढोंट टीचर है, वो मूर्ख टीचर है, वो बच्चों का भविष्य बर्बाद करने वाले टीचर है, जो ये बोल देते हैं कि रात भर NADPH2 स्टोर होगा, मतलब दिन भर NADPH2 स्टोर होगा और रात को ATP माइटोकॉन्ड्रिया से आ जाएगा और हो जाएगा सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट का, हो जाएगा डार्क रिएक्शन। बकवास कॉन्सेप्ट है, बकवास है। रात को NADPH2 दिन का बना हुआ यूटिलाइज हो ही नहीं सकता, NADPH2 तुरंत बनता है और वो तुरंत डार्क रिएक्शन करा के तुरंत उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है तुरंत। ये बात मैं डार्क रिएक्शन में भी बताया हूँ। और एक कारण तो ये है ही कि रात को नहीं चलता डार्क रिएक्शन। और एक कारण सुन लो, उन टीचरों को बताना जो गलत पढ़ाएंगे तुम्हारे मुंह पर, अगर कभी मिल जाएगा टीचर, उनको ये बताना कि NADPH2 स्टोर नहीं होता, ये तो कारण है ही कि नहीं चलेगा रात में डार्क रिएक्शन। दूसरा ये भी कारण है कि इस स्ट्रोमा में एक एंजाइम होता है रुबिस्को, जो मेन एंजाइम है डार्क रिएक्शन का। रुबिस्को एल्कलाइन पीएच पर वर्क करता है 8.5 पर, और रात को स्ट्रोमा की पीएच 8.5 हो ही नहीं सकती है, क्योंकि रात को डेल्टा पीएच रहेगा ही नहीं, क्योंकि सनलाइट है ही नहीं। ये भी कारण है कि रात को 8.5 पीएच नहीं रहेगी स्ट्रोमा की, तो रुबिस्को एक्टिव ही नहीं होगा रात को, तो कहां से डार्क रिएक्शन होगा? यही तो मेन इंडाइन पूरे डार्क रिएक्शन का, कार्बोहाइड्रेट बनाने का। कुल मिला के रात को क्लोरोप्लास्ट के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होगा, लेकिन वही दिन जैसे ही होगा, जैसे सनलाइट आई, 1 मिनट के अंदर प्रोटॉन ग्रेडिएंट बन जाएगा, दिन भर ये खेल होगा जो भी आपने पढ़ा है। फिर रात को होते ही सब सेटअप बंद हो जाएगा, जैसे मैं दिन भर मेरा लैपटॉप और ये पेन टैब जो आप देख रहे हो, ये दिन भर खुला रहता है, अलग अलग क्लासेस लेना होता है। अभी आपका क्लास खत्म होगा, फिर जेनेटिक्स का क्लास खत्म होगा, फिर ये सब समय समाज के रखूंगा साइड, क्योंकि मेरे पास एनर्जी नहीं कि फिर क्लास ले पाऊं, वही काम हो रहा है। फिर सुबह उठते ही क्लास टाइमिंग पे तुरंत खटाखट ये तैयार, क्लास लेना स्टार्ट, दिन भर क्लास लूंगा, यही हो रहा है क्लोरोप्लास्ट। लेकिन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन 24 घंटे हर उस सेल में चल रही है जो एरोबिक रिस्पायरेशन करती है और जन्म के पहले से चल रही है, जन्म के पहले से चल रही है, जब ऑर्गन जन्म भी नहीं हुआ था। प्लांट की बात कर लो ना, वहां पर भी पोलन बनता है, मेल गैमेट, फीमेल एग, उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया, वो भी एक सेल। तो यही अंतर है केमियोस्मोटिक थ्योरी ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन। अभी और अंतर डिस्कस करेंगे। कुल मिला के आप केमियोस्मोटिक रही बात कि सर साइक्लिक में कैसे क्या होता है, वो सारा डिस्कशन हम नेक्स्ट मीटिंग में भी करेंगे सर। एक सारा रही बात कि सर यहाँ पे भी उसका वाटर कायनाइजेशन होता है, यहाँ पे वाटर का एरेशन ज्यादा होता है, सॉरी कम होता है, ठीक है कम होता है, और यहाँ पे वाटर का एरेशन ज्यादा होता है, तो ये भी कारण है कि यहाँ पे ज्यादा प्रोटॉन बना रहेगा, ठीक है। अब बाकी तो ये कारण आप जान ही रहे हैं, चार कारण इसमें आप ढूंढना चाहेंगे तो एक कारण डायरेक्टली वाटर के ऑक्सीडेशन से प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ ज्यादा हुआ, कहाँ, ल्यूमेन में। दूसरा तीसरा कारण पीक्यू का ही होगा, पीक्यू ने लाचोक्विनोन ने स्टोमा से खेता तो वहां कम और यहाँ ज्यादा, इसलिए प्रोटॉन ग्रेडिएंट बना। और चौथा कारण मैंने क्या बताया था कि स्टोमा में कम होगा NADP जो ले लेगा ये वाला प्रोटॉन, तो कम होता ही रहेगा, तो ये चौथा कारण। बाकी इतना ज्यादा कम ना हो जाए इसलिए वाटर का आयनाइजेशन तो चल ही रहा है, वो दोनों ही जगह चल रहा है, यहाँ बहुत ज्यादा कम ना हो जाए इसलिए चल रहा है, यहाँ बहुत ज्यादा बना रहे इसलिए चल रहा है। हाँ स्टोमा क्यों नहीं, स्टोमा भी तो फ्लूड ही है, स्टोमा भी तो फ्लूड ही है,
और ये सारा खेल चल रहा है थायलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर, और एटीपी बन रहा है तब जब सनलाइट होगी, लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में चल रहा है। इस मीटिंग का 6 मिनट बचा है मेरे पास, तो आप क्या करोगे अगला मीटिंग में? मैं क्या करूंगा, कुछ डिफरेंस डिस्कशन करूंगा, 10 मिनट का लेक्चर रह गया वो करके ही छुट्टी दूंगा। तो आप क्या करोगे, ये पूरा का पूरा नोट्स अभी मैंने भेजा है, ये पूरा पढ़ जाओ पूरा लास्ट तक, और उसमें कहां का 2-3 वर्ड मिस्टेक है नोट्स में लिखा हुआ वो मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेज ही दिया, पहले आप वही देख लो स्क्रीनशॉट, आपके दिमाग में सेट हो जाए कहां करेक्शन है नोट्स। उसके बाद आप पूरा थ्योरी पढ़ जाओ, फिर मैं नेक्स्ट मीटिंग क्रिएट करता हूं और आपको बताता हूं क्या क्या डिफरेंसेस है केमियोसमोटिक थ्योरी और फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑफ केमियोसमोटिक थ्योरी ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इस मीटिंग को समाप्त करते हैं।